हेलो दोस्तों, मैं अंकित, आपका अपने परिवार क्यूआर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है, ठीक है। एन पद हमको पता नहीं है तो क्या कर देंगे हम, एसएन लिख देंगे। तो एसएन बराबर 4n-n², ठीक है। किसी एपी के एन पदों का योग 4n-n² है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, तो देखिए s1 निकालना है। तो s1 बराबर, यानी कि n की जगह 1 रखना है, तो 4 × n-4 × 1-1² यानी कि 4 − 1 यानी कि s1, यानी कि s1 का वैल्यू आ गया आपका 3। यानी किसी एपी के प्रथम पद का योग, किसी एपी के प्रथम पद का योग आया प्रथम पद, दोनों बात बराबर है। यानी कि जब s1 बराबर 3 निकल गया तो a1 का वैल्यू भी आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप, हम समझा दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5 इस एपी के दो पदों का योग क्या होगा, तो क्या कीजिएगा आप, 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा ना। अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि इस एपी के प्रथम पद का योग कितना होगा, तो क्या बताइएगा, यही ना बताइए ना, दो ही ना बताइएगा कि सिर्फ एपी के प्रथम योग, प्रथम पद का योग कहिए या चाहे प्रथम पद कहिए, दोनों क्या होता है, आपस में एक ही ना होगा। तो प्रथम पद आपका 2 होगा या प्रथम पद का योग 2 होगा, ठीक है। तो प्रथम पद का योग 3 है तो प्रथम पद भी आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी कि s2, तो s2 बराबर आपका होगा 4 × 2 − 2² यानी कि 4 × 2 = 8 − 2² = 4, तो 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि s2 का वैल्यू आपका 4 आ गया। यानी कि किसी एपी के प्रथम 2 पदों का योग कितना है, 4 है, कितना है, 4। अब देखिए s2 बराबर आपका होगा n/2 × 2a + n-1 × d होगा ना। यानी कि सीएपी के प्रथम 2 पदों का योग जब निकालना है तो फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो s2 का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। यहाँ पे n, यानी कि n का वैल्यू कितना दिया है, 2, यानी कि n, तो 2/2 और 2a, a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3, तो 3 आप प्लस एन यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में d से गुणा कीजिएगा तो d हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए 2 से 2 कट गया तो 4 बराबर 2 × 3 = 6 + d, ठीक है। हाई 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो d बराबर आपका हो जाएगा 4 में से 6 माइनस होगा तो −2, क्या हो जाएगा, d बराबर −2। यानी कि आपका यहाँ से देखिए पहल का पद निकल गया, 2 पदों का योग पहल का बात सुनिए, पहला आंसर ये आपका होगा, ठीक है। तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, तो पहल का आंसर ये हो गया, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमको निकालना है, तो दूसरा पद बराबर हम लोग जानते हैं a2 बराबर क्या होता है, a + d, a का वैल्यू कितना दिया है, 3, और d का वैल्यू कितना निकला है, −2, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि a2 का वैल्यू आपका 1 आ गया, यानी कि तीसरा आंसर आपका ये हो गया। चौथा बोल रहा है कि इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ पे देखिए a3 बराबर आपका हो जाएगा a + 2d, a का वैल्यू 3 है और 2, और d का वैल्यू −2, तो 3 × 3 है, 2 × 2 = −4, यानी कि 3 में से 4 जाएगा तो −1, यानी कि a3 का वैल्यू आपका कितना आ गया, −1, यानी कि
पहला आंसर ये, दूसरा ये, तीसरा आंसर ये, चौथ का आंसर ये, और पांचवा कह रहा है कि दसवें यानी कि दसवां पद निकालना है। तो देखिए दसवां पद यहाँ पर निकाल देते हैं, ए दस बराबर ए प्लस नाइन डी होगा, ए प्लस नाइन के नाइन, ए का वैल्यू कितना दिया है थ्री दिया है, प्लस नाइन डी के वैल्यू माइनस टू, तो थ्री के थ्री है, नदूना का माइनस अट्ठारह, तीन में से अट्ठारह गया तो माइनस पंद्रह, यानी कि ए टेन का वैल्यू आपका कितना आ गया माइनस पंद्रह। पहले इतना उतार लीजिए, ठीक है, पहले ये उतारिएगा, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये, ठीक है, इसके बाद से इसको उतार लीजिए, उसके बाद से एनवे पद बता रहे हैं आपको। अब देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा था कि और एनवे पद ज्ञात कीजिए, तो एनवा पद ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए का वैल्यू कितना था थ्री था, एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन का एन, डी का वैल्यू कितना था माइनस टू, एन के एन, तो एन इज इक्वल टू थ्री के थ्री, और माइनस टू आके पहले एन में गुणा होगा तो माइनस टू एन, और माइनस टू आके माइनस वन में गुणा होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा टू एकम टू, ए एन इज इक्वल टू है तीन प्लस में दो प्लस में तब पाँच हो गया और माइनस टू एन, यानी कि एनवा पद आपका क्या होगा फाइव माइनस टू एन, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिया है, ऐसे प्रथम 40 धर्म पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, ठीक है, प्रथम बोल रहा है प्रथम, तो पहली का क्या होगा आपका 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथ का 24, इस तरह 40 गो धर्म पूर्णांक तक हमको योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखिए ए बराबर सिक्स, ए टू बराबर 12 होगा ना, पहल का पद 6, दूसरा पद 12, तो डी बराबर अब क्या क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, यानी कि 12 माइनस 6 बराबर 6, डी का वैल्यू कितना निकल गया आपका 6। अब 40 को धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है तो एन बराबर कितना दिया है आपका 40, ठीक है, तो योग ज्ञात करना है तो एस 40 बराबर 40 बट्टा 2 इंटू ए, ए का वैल्यू 6 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 40 में से गया तो 39 इंटू डी, डी का वैल्यू 6, 20 दूना के 40, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 2 छके 12, 6 नवा 54 हासिल 5, 36 18 5 23, यानी कि 20 गुड़े 246 हो जाएगा, ठीक है, 2 छके 12 हासिल 1, 2 चौके 8 एक 9, 2 दूना के 4, यानी कि एस 40 का आंसर जो आ गया आपका 4920 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला है ना 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि वो 8 का गुणज होना चाहिए, तो पहला क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24, इस तरह बढ़ते जाएगा और कितना तक निकालना है 15 गुणज तक, यानी कि एन का वैल्यू 15, यहाँ पे आपका ए वन का वैल्यू कितना हो गया 8, ए टू का वैल्यू कितना हो गया 16, ठीक है, और डी बराबर जानते हैं हम लोग ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू का वैल्यू 16, ए वन का वैल्यू 8, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि डी का वैल्यू जो आपका निकल गया कितना 8, ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि एस 15, तो एस 15 बराबर 15 बट्टा 2 इंटू 2 ए, ए का वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 15 में से एक गया तो 14, और डी, डी का वैल्यू 8, ये तो कटेगा नहीं है, सही रहेगा, तो 15 बट्टा 2 के 15 बट्टा 2 ये आपका 16 हो गया प्लस 14 8 112, यानी कि 15 बटा 2 गुड़े 128, अब कटा दीजिए 2 छके 12 2 चौके 8, यानी कि अब गुड़ा कर दीजिए 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96, यानी कि एस 15 का वैल्यू आपका कितना आ गया 960, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा 960 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, यानी 0 और 50 के बीच जितना विषम संख्या होगा सबका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच कौन कौन सा संख्या होगा, देखिए 0 तो होगा नहीं, आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह होते होते जाएगा, और 50 तो होगा नहीं, 49 होगा, ठीक है, होगा ना। 0 और 50 के बीच 50 के पहले एगो 49 होगा और 0 के बाद 1 होगा, यानी कि 1 से लेकर 49 तक आपका विषम संख्या होगा, ठीक है। 1, 3, 5, 7 इस तरह जाते जाइएगा तो आपका 49 तक आएगा, 50 के बीच तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना दिया है, 1, A2 का वैल्यू कितना दिया है, 3, D निकालना है तो A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना है, 3, A1 का वैल्यू कितना है, 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, 2। और यहाँ पे AN का वैल्यू दिया है, यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका कितना है, 49, ठीक है, अंतिम पद कितना है, 49। अब योग ज्ञात करना है तो हम निकालेंगे यहाँ से AN बराबर, हम लोग जानते हैं क्या होता है, A+N-1 × D। A का वैल्यू कितना दिया है, 1, N का वैल्यू पता नहीं है, D का वैल्यू कितना दिया है, 2, AN का वैल्यू कितना दिया है, 49। भाई 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 49 गो में से ये हो गया तो 48 गो, 48 बराबर N-1 × 2, भाई 2 एने गुड़ा में जाएगा तो भाग में, तो 24 दूना के 48, तो 24 बराबर N-1, तो इधर माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, तो N बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25, N बराबर क्या हो जाएगा आपका, 25। अब क्या करना है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, यानी कि एस 25 का मान हमको निकाल देना है, तो एन बाई टू यानी कि 25/2 × a+l, यानी a माने का पहल का पद कितना दिया है, 1, अंतिम पद 49, 25/2, अब 49 गो एगो 50 गो, 2 से भाग कीजिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो 25 × 50 = 625, यानी कि आपका 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होंगे उनका योग कितना होगा, 625। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा है निर्माण कार्य, पहले बात सुन लीजिए, क्वेश्चन खाली बड़का है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, ठीक है। जैसे पहले आसान भाषा में समझिए ना, जैसे आपका मतलब आपका भाई बहन या किसी कोई बच्चा पड़ोस में जाता होगा किसी बड़े स्कूल में, तो फीस नहीं जमा करने पर एक दिन पर 10 रुपये लगाता है, यहाँ पे एक दिन में पहले दिन के लिए देखिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, यानी कि पहल का दिन उस बच्चों का फीस जमा नहीं होगा तो 200 रुपया लगेगा, जहिया वो डेट दिया है स्कूल वाला उस दिन अगर जमा नहीं करते हैं फीस, तो पहल का दिन 200 रुपया, उसके बयान वाले नहीं जमा किए तो 250 रुपया, उसके बयान वाले नहीं जमा किए तो 300 रुपया, यानी कि 50-50 रुपया डेली उसका बढ़ रहा है, यानी कि देखिए पहल का दिन नहीं जमा किए तो 200 रुपया, तो यानी कि A1 का वैल्यू कितना 200, दूसरा दिन नहीं जमा करेंगे तो 250, यानी कि A2 का वैल्यू 250, और तीसरा दिन नहीं जमा करेंगे तो चलिए तीसरा दिन का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे D का वैल्यू निकल जाएगा, किस तरह निकलेगा, कह रहा है ना कि जो जुर्माना है ना वो अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक हो रहा है, यानी डी का वैल्यू कितना 50 रुपया, वैसे यहाँ पे घटा कर भी ला सकते हैं, 250 में से 200 गया तो 50 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब करता है, देखिए अगर एक दिन नहीं जमा करेंगे तो 200 रुपया फाइन लगेगा, दूसरा दिन नहीं जमा किए तो 250 फाइन लगेगा, तीसरा दिन नहीं जमा किए तो मतलब बढ़ते जा रहा है फाइन, ठीक है। आ एक ठेकेदार है ना वो 30 दिन कार्य को विलंब कर दिया, यानी कि मान लीजिए आप 30 दिन तक स्कूल में फीस जमे नहीं किए, 30 दिन लेट कर दिए,
तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 30। तो आप देखिए तो कितनी राशि यानी कि टोटल कितना रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा, तो निकाल दीजिए। तो ए 30 बराबर 30 बाई 2 2 ए 2 इंटू ए, ए का वैल्यू 200 प्लस एन माइनस वन यानी कि 30 गो है एन, इसमें से एक हो जाएगा तो 29 गो इंटू डी, डी का वैल्यू 50, 15 दूना क्या 30 यानी कि 15 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 400 आप प्लस 5 नौ 45 हासिल 4 आप 5 दूना 10 4 14 यानी कि आपका 15 गुड़े 14 4 1850 गुड़ा कर दीजिए 15 पच्चे 75 हासिल 7 15 8 120 7 127 हासिल 12 15 कम 15 12 27 यानी कि 27,750 रुपया एक महीना के आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि की मतलब रखी गई है, ठीक है। कितना है 7 गो, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना 7 हो गया, ठीक है। 7 गो नगद पुरस्कार देना है तो एन का वैल्यू 7 ही होगा और टोटल राशि कितना 700 यानी कि ये 7 का वैल्यू 700 रुपया। आ ध्यान से यहाँ पे समझिए, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है यानी कि डी का वैल्यू 20, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 मतलब 7 का। तो देखिए एस 7 बराबर क्या होगा, एस 7 बराबर 7 बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 7 में से गया तो 6 हुआ डी, डी का वैल्यू 20, ठीक है। एस 7 का वैल्यू कितना दिया है 700, तो इधर 700 रख दीजिए बराबर 7 बटा 2 2 ए प्लस 20 6 के 120, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा बचेगा 100, भाई 2 यानी भाग में आएगा तो गुणा में, तो 200 हो जाएगा, तो 200 बराबर 2a प्लस 120 है, 120 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 200 में से 120 जाएगा तो 80 यानी कि 2a बराबर 80, तो a बराबर आपका 2 यानी गुणा में जाएगा तो भाग में, तो a बराबर 40 रुपया यानी कि पहले का पुरस्कार का वैल्यू कितना 40 रुपया यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A1 बराबर रुपया 40, ठीक है। अब दूसरा पुरस्कार यानी कि A2, तो A2 बराबर A प्लस डी होगा, A का वैल्यू 40 आप प्लस डी का वैल्यू रुपया हटा दीजिए अभी यहाँ से, A का वैल्यू 40 है और डी का वैल्यू 20 यानी कि 60 रुपया, दूसरा पुरस्कार 60 रुपया, तीसरा यानी कि A3 तो A प्लस 2D होगा, ए का वैल्यू 40 है प्लस 2 और डी का वैल्यू 20, 40 के 40 और 20 दुना के 40 यानी कि तीसरा पुरस्कार 80 रुपये के। चौथ का पुरस्कार निकालिए यानी कि A4, तो A4 बराबर A प्लस 3D यानी कि 40 प्लस 3 गुणे 20, 40 के 40 और 20 60 यानी कि चौथ का पुरस्कार 100 रुपये के। पांचवा का निकालिए, तो पांचवा बराबर ए प्लस 4D, ठीक है, ए प्लस 4D, तो ए का वैल्यू कितना है 40 है प्लस 4 और डी का वैल्यू 20, 40 के 40 और 40 × 80 यानी कि 120 रुपया, ए 5 का वैल्यू 120 रुपया, ठीक है। अब ए 6 का निकालिए, ए 6 बराबर आपका होगा ए प्लस 5D यानी कि 40 प्लस 5 गुणे 20 यानी कि 40 प्लस 20 2500 यानी कि 140 रुपये यानी कि छठा पुरस्कार 140 रुपये का। सातवा निकाल दीजिए, तो A7 बराबर A प्लस 6D यानी कि A 40 प्लस 6 गुड़े कितना 20 यानी कि 40 प्लस 120 यानी कि सातवा पुरस्कार जो होगा आपका 160 रुपये का होगा। सब निकल गया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर का मतलब क्या कि अगर वह वन क्लास में है तो एगो लगाएगा, मतलब पहले क्लास में है तो एगो लगाएगा, दूसरा क्लास में है तो दो गो लगाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, यानी कि जिस कक्षा में पढ़ता है उतने पेड़ लगाएगा, ठीक है। माने वन में है तो वो एगो लगाएगा, टू में है तो दो गो, थ्री में है तो तीन गो लगाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, उदाहरणार्थ कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का दो गो लगाएगा, कक्षा तीन का तीन पेड़ लगाएगा, यदि और ऐसा कक्षा 12 तक, यानी कि उस स्कूल में कितना कक्षा चलता है 12 गो, 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, ध्यान से यहाँ पे समझिए, और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, तीन गो, यानी कि सेक्शन तीन गो है। प्रत्येक कक्षा में कौन सेक्शन है, तीन गो, ए सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, जिस तरह हम लोग के स्कूल में चलता नहीं है सेक्शन ए, जैसे वन क्लास हो गया ज़्यादा बच्चा है तो तीन भाग वो तीन को क्लास उसका चलता है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, वही बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा का तीन गो अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान से यहाँ पर समझिए, अगर क्लास वन में है तो कौन गो पेड़ लगाएगा, ए गो, क्लास वन वाला कौन गो पेड़ लगाएगा, ए गो, आ ए वन कौन गो है, तीन गो, तो कितना लगेगा, एक गुड़े तीन, यानी कि पहले का क्लास में कितना, वन क्लास कितना लगाएगा, तीन गो, अगर क्लास टू में है तो टू गुड़े थ्री, यानी कि दूसरा क्लास कितना लगाएगा, छ गो, क्लास थ्री में है तो तीन गुड़े तीन, यानी कौ गो लगाएगा, नौ गो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए वन का वैल्यू आपका तीन हो गया, ए टू का वैल्यू सिक्स हो गया, और डी बराबर हम लोग जानते हैं ए टू माइनस ए वन होता है, यानी कि छः में से तीन गया तो तीन, ठीक है, यानी डी का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, तीन। और कह रहा है ऐसा कक्षा बारह तक, यानी कि एन का वैल्यू बारह, एन का वैल्यू कितना, बारह तक, ठीक है। अब क्या करना है, हमको कुल कितने पेड़ लगे हैं उसका संख्या निकाल देना है, यानी कि एस एस ट्वेल्व का, तो एस ट्वेल्व बराबर ट्वेल्व बाई टू इंटू टू ए, यानी कि टू गुड़े थ्री प्लस एन माइनस वन, यानी कि बारह में से एक गया तो ग्यारह, और डी इंटू डी, या डी का वैल्यू तीन, यानी कि तीन। अब देखिए, दो छके बारह, यानी कि एस बारह बराबर छः गुड़े दो तीन छः प्लस ग्यारह तैंतीस, यानी कि छः गुड़े, इधर दिखाई नहीं देगा, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, छः गुड़े तैंतीस छः उनतालीस, छः नवा चौवन हासिल पाँच, और छत्री अठारह, अठारह पाँच तेईस, यानी कि उस विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा कितना पेड़ लगेंगे, 234, ठीक है। आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक है।